हेलो व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर सुनील कोठीवाला और ये हमारे एक्ने सीरीज का थर्ड वीडियो है एंड इट इज़ अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने पिंपल्स। इससे पहले वाले वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि एक्ने क्या होता है, किस मैकेनिज्म से वो डेवलप होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और कितनी इसकी ग्रेडिंग्स होती हैं सीवियरिटी की। सेकेंड वीडियो में हमने देखा मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। नाउ दिस इज अबाउट हाउ टू ट्रीट दिस कंडीशन। सो जो एक्ने का ट्रीटमेंट है वो निर्भर करता है मल्टीपल फैक्टर्स पर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सीवियरिटी ऑफ द एक्ने। एक्ने की जो तीव्रता है, जो उसकी सीवियरिटी है, उसकी स्टेज क्या है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अदर फैक्टर्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे एज हो गया या फिर आपका प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का स्टेटस हो गया, आपका आपने पहले अगर कोई ट्रीटमेंट ले रखा है तो उसका रेस्पॉन्स क्या रहा और क्या ट्रीटमेंट आपने लिया, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो गए, ये सब फैक्टर्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। लेकिन एक जो सीवियरिटी वाला जो फैक्टर है वो हमने फर्स्ट वीडियो में भी बताया और अब मैं वापस से एक शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे उसको डिसाइड किया जाता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पिंपल्स पे। जो पिंपल्स के निशान होते हैं उनकी संख्या क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इसमें नंबर 5 तरह के पिंपल्स होते हैं, हमने ये देखा। इसमें नंबर 1 पे ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स होते हैं, कीले जिसको हम कहते हैं, कॉमेडोन्स कहते हैं जिसको, रेड बम्स हो सकते हैं जिसको पेप्यूल कहते हैं, येलो बम्स हो सकते हैं जिसको पस्ट्यूल बोलते हैं, लार्ज रेड बम जिसको नोड्यूल कहते हैं एंड एक फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है जिसको सिस्ट कहते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ पिंपल्स। सपोज आपको केवल कीले हैं, केवल कॉमेडोन्स हैं, ब्लैक हेड और वाइट हेड, तो वो आएगा ग्रेड 1 में। उसके साथ कुछ छोटे लाल दाने हो सकते हैं, तो ये होती है ग्रेड 1। ग्रेड 2 के अंदर कीले भी होंगी, लाल दाने भी होंगे और पीले दाने भी होंगे अच्छी खासी संख्या में, ये होती है ग्रेड 2। ग्रेड 3 में आपको कील भी हो सकती है, लाल और पीले दाने भी हो सकते हैं और कुछ मोटी गांठें भी हो सकती है, वो होती है ग्रेड 3, नोड्यूल्स प्रेजेंट हों। और ग्रेड 4 में नोड्यूल और सिस्ट अच्छी खासी संख्या में प्रेजेंट हों। तो इस तरह से 4 इसकी ग्रेड्स होती हैं, जिसमें से ग्रेड 1 सबसे कम सीवियर होती है, ग्रेड 4 सबसे ज़्यादा सीवियर होती है। अब जब इलाज की बात करते हैं तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। कोई एक सिंगल मेडिसिन नहीं है जिससे पिंपल्स पूरी तरह ख़त्म हो जाएं। देर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ और उनको कंबाइन करके काम में लिया जाता है। उसमें से सबसे पहले है लगाने वाली दवाइयाँ, टॉपिकल थेरेपीज़, खाने वाली दवाइयाँ, ओरल थेरेपीज़ एंड प्रोसीजरल थेरेपीज़ जो हम स्किन क्लिनिक में करते हैं, प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स। जो लगाने वाली दवाइयाँ हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्रीम्स आती हैं, जेल आते हैं, कुछ फोम बेस्ड मेडिसिन आती हैं, कुछ फेस वॉश और साबुन आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक जो दवाई है वो है टॉपिकल रेटिनॉइड्स। 2 फॉर्म में इजीली अवेलेबल होती हैं, या तो ट्रेटिनोइन फॉर्म होता है 0.025% या फिर एडेप्लिन होता है। ये दोनों मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती हैं। बहुत कम मात्रा में लगाना होता है रात के समय पर, हल्के हाथ से केवल पिंपल्स के ऊपर। ये कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट होती है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के साथ में। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में क्लिंडामाइसिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी मिलता है, एरिथ्रोमाइसिन भी मिलता है और एक जो कंपोनेंट है बेंजोल परोक्साइड जो एंटीबायोटिक का भी काम करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट का भी काम करता है। ये अलग अलग भी मिलते हैं, दोनों कंबाइन होकर भी मिलते हैं, रेटिनॉइड और एंटीबायोटिक। ये दोनों लगाने की दवाइयां हैं, बेसिक दवाई है लगाने की। इसके अलावा कुछ और जेल्स हैं जैसे एजिलिक एसिड जेल है, वो पिंपल्स में काम आता है, पिंपल्स में भी और पिंपल्स के स्पॉट्स में भी। इसके अलावा कुछ फेस वॉशेज होते हैं जैसे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड और ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड और लैक्टिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज, ये काम में ले सकते हैं आप। ऑयल स्किन है, कॉमेडोन्स रहते हैं तो भी। ट्रंकल एक्ने के टाइम पर हम कभी कभार साबुन और बॉडी वॉश भी प्रेफर करते हैं, तो उनके कंटेंट्स भी यही होते हैं, सैलिसिलिक एसिड, जिंक, सल्फर, एजिलिक एसिड, दीज आर द कंपोनेंट्स। तो लगाने वाली दवाइयाँ आप मेडिकल से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसको सही तरह से काम में लें, क्योंकि इनमें से जो टॉपिकल रेटिनॉइड्स है वो अगर गलत तरीके से लगाते हैं तो वो स्किन पर बहुत तेज़ रैश कर सकती है, मतलब स्किन ड्राई हो सकती है, इरिटेट हो सकती है, फट सकती है। और जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं वो अकेले काम में नहीं लेने चाहिए। हमने देखा है कई बार कि पेशेंट क्लिंडामाइसिन अलोन यूज करता रहता है, बट वो थ्योरेटिकली रॉन्ग है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप करता है।
तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर यूज करना चाहते हैं तो वो कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करें, बेंजोल परोक्साइड के साथ में या फिर टॉपिकल रेटिनोइड के साथ में। अब खाने की जो दवाइयाँ हैं उसमें तीन दवाइयाँ हैं बेसिकली, या तो ओरल एंटीबायोटिक्स हैं, उसमें मोस्ट पॉपुलर एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और समटाइम्स क्लिंडामाइसिन, आइसोट्रेटिनोइन जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है, और हार्मोनल थेरेपीज, हार्मोनल टैबलेट्स। हम कभी भी ये सलाह नहीं देते कि आप ये खाने वाली गोलियां अपने लेवल पर स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ एंटीबायोटिक थेरेपी देने का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट है, नॉर्मल फिजिशियन पैटर्न नहीं है, बहुत लंबा चलता है, और इसलिए हम उसको एक गैप मेंटेन करके और बीमारी के हिसाब से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जो आइसोट्रेटिनोइन दवाई है दैट इज़ कैटेगरी एक्स मेडिसिन फॉर प्रेगनेंसी, सो हम कभी भी एडवाइस नहीं करते कि आप उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करें किसी फ्रेंड के कहने पर या केमिस्ट के कहने पर। वो एक ऐसी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि वो मेन मेडिसिन है लेकिन कई चीज़ों को अफेक्ट करती है। हमेशा डॉक्टर की देख रेख में ही लें, उसकी जो डोजेज होती हैं वो भी वेरी करती हैं एज, वेट और बीमारी के हिसाब से। जो उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें स्किन ड्राई हो सकती है, होंठ फट सकते हैं, जो मेजर उसका साइड इफ़ेक्ट है वो फीमेल के लिए प्रेगनेंसी में नेगेटिवली साइड इफ़ेक्ट करता है, मतलब टेरोटोजेनिक होता है, वो बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसीलिए कैटेगरी एक्स का मतलब होता है कि कोई चांस नहीं है, उसको लेने के बाद सेफ प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। स्पेसिफिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है मैरिड लेडीज़ में, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है, जो प्रेगनेंसी प्लान करने वाले जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है वहाँ पर। तो अब कभी भी आप इस मेडिसिन को अपने लेवल पर स्टार्ट ना करें। एक है हार्मोनल, जब कोई हार्मोनल इश्यू हो या आपने अच्छा खासा ट्रीटमेंट कर लिया है फीमेल में लेकिन फिर भी प्री मेंसेस फ्लेयर ख़त्म नहीं हो रहा हो, तो फिर हार्मोनल मेडिसिन की उनको ऐड किया जाता है। और नॉर्मल सप्लीमेंट की तरह जिंक, ओरल जिंक के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, उसमें हेल्प करता है वो एक्ने में। तो ये है इसके लगाने वाली और खाने वाली दवाइयाँ। अब इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल ट्रीटमेंट होते हैं जो एक्ने के ट्रीटमेंट को स्पीड देने में, उसको फास्ट रिजल्ट अचीव करने में हेल्प करते हैं, पेशेंट को बेटर रिजल्ट देने में। उसमें सबसे पहला और बेसिक प्रोसीजर है कोमेडोन एक्सट्रैक्शन, यानी आपको अगर ब्लैक हेड वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर उनको अपने क्लिनिक पर रिमूव कर देता है। अब हम इसको भी अपने घर पर या पार्लर से रिमूव करवाने की सलाह नहीं देते, क्यों? क्योंकि आपने अगर उस कोमेडोन को इनकम्प्लीट रिमूव किया है तो वो जो उसका बचा, आपने उसको ओपन कर दिया और जो उसका बचा कुचा जो कंटेंट है वो एनवायरमेंटल बैक्टीरियाज के लिए ओपन हो गया है, तो वो इन्फेक्ट होकर डेफिनेटली पक्के मोटा पिंपल बनाएगा। तो उसका कंप्लीट कंटेंट एक्सट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और वो एक्सट्रैक्ट इस तरह से हो कि वहाँ पर कोई निशान ना छूटे। दूसरा है केमिकल पील्स, लाइट्स एंड लेजर्स एंड फेशियल मेडिफेशियल्स एंड क्लीनअप्स। इन तीनों ट्रीटमेंट्स का जो टारगेट है वो होता है कि जो पिंपल की एक्टिव फेज होती है, जिसमें लाल और इन्फ्लामेटरी फेज जिसको हम कहते हैं, लाल और पीले दाने बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, उस फेज को स्लो डाउन करना, उस फेज को, क्योंकि आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ट्रीटमेंट से थोड़ा इफेक्ट स्लो आता है, लेकिन इन प्रोसीजर्स की हेल्प से आप उस फेज को जल्दी से सप्रेस कर सकते हैं, जल्दी से ठीक कर सकते हैं। प्लस दूसरा इनका रोल होता है पिंपल्स ठीक होने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं उन स्पॉट्स को ट्रीट करने में, तो दो इनके स्पेसिफिक यूज हैं। तो कभी कभार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है 7 डेज में, 10 डेज में, 15 डेज में, और कभी उनको चाहिए कि अचानक से जो इरप्शन हो गया है पिंपल्स का वो ठीक हो जाए, उन जगह पर मेनली ये चीज़ें काम आती है। रूटीनली भी काम लिया जा सकता है जब ट्रीटमेंट का इफेक्ट जल्दी अचीव करना हो। इसके अलावा जो एक्ने का सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एक्ने स्कार, उसके लिए फिर CO2 लेजर ट्रीटमेंट होता है, माइक्रोनीडलिंग RF होता है, प्लेन माइक्रोनीडलिंग होता है, PRP थेरेपी होता है। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे विद डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। अब ग्रेड वाइज जो हमने बोला कि ग्रेड पे डिपेंड करता है इलाज, वो ग्रेड वाइज कैसे डिसाइड होता है? ग्रेड वन है अगर तो आप कोमेडोन एक्सट्रैक्शन प्लस टॉपिकल रेटिनोइड और टॉपिकल एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन प्लस फेस वॉश से इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ग्रेड टू है तो कोमेडोन एक्सट्रैक्शन विद टॉपिकल मेडिसिन विद शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स चाहिए। अगर ग्रेड टू इन चीज़ों से ठीक नहीं होती है तो फिर हमें दूसरा मेडिसिन ऐड करना पड़ता है। ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर में हमें आइसोट्रेटिनोइन की हेल्प लेनी पड़ती है, अगर हार्मोनल फैक्टर है तो हार्मोनल मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। ग्रेड फोर में मान लो सीवियर एक्ने है, सीवियर नोडुलोसिस्टिक एक्ने है, तो वहाँ पर नॉर्मल जो कन्वेंशनल एक्ने का ट्रीटमेंट है उसके साथ में कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ओरल स्टेरॉइड्स भी दिया जाता है, ताकि इन्फ्लामेशन वाला पार्ट, जो सूजन वाला जो पार्ट है वो जल्दी सेटल हो, ताकि आपको पिंपल्स जब सेटल हो उस टाइम स्कारिंग ना करें। क्योंकि आपने जितना ज़्यादा लंबा इसको बिना इलाज के छोड़ा
उतना ही ज़्यादा ये आपको स्कार देने का चांसेस बढ़ जाता है। अब इसमें जो बेसिक सावधानियाँ आपको यही रखनी है, जैसा कि मैंने बताया, टॉपिकल रेटिनॉइड्स बहुत सावधानी से लगाएं आप, बहुत कम मात्रा में। इसका बेसिक जो रहता है मटर के दाने जितना सा या उससे कम, बिल्कुल हल्के हाथ से केवल पिंपल के ऊपर, ये इसका बेसिक फंडा है। और नाइट में लगाना है और बहुत रब नहीं करना उसको। अर्ली मॉर्निंग एक हल्का सा ड्राइनेस फ्लैकिंग हो सकता है, वो नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा है तो आप ट्रीटमेंट को इमीडिएटली स्टॉप कर दें। ओरल एंटीबायोटिक्स एंड ओरल एसिटेटिनोइन अपनी मर्जी से कभी भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं है वो किस डोजेज में चाहिए, किस पैटर्न में चाहिए और कब उसको बंद करना है। तो एक फालतू में समय की और टाइम की, पैसे की बर्बादी है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। नाउ ये तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस, किस तरह से ट्रीटमेंट सेलेक्ट किया उसका बेसिक जानकारी। अब हम एज ए पेशेंट ट्रीटमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें, उसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने स्टार्ट किया है, प्रिस्क्राइब किया है, उसको आप रेगुलर पूरा करें। जनरली ये कहा जाता है, एक मैं अच्छे खासी ग्रेड के एक्ने की बात कर रहा हूँ, ग्रेड 3 और 4 की, कि 6 to 9 months कम से कम चाहिए होता है पिम्पल्स के इलाज में, वो रेगुलर चाहिए बिना गैप के, क्योंकि दवाई का इफेक्ट बिल्डअप होने में ही 1 से 1.5 महीना लग जाता है, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं। और अगर आप उससे बीच में अगर आप उसको गैप कर देंगे तो जो इफेक्ट बिल्डअप हो रहा होता है वो वापस से ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर पूरा कर रहे हैं उसको डॉक्टर के कहे अनुसार, तो 70-80% चांसेस ख़त्म हो जाता है पिंपल्स दोबारा होने के। इसमें जो रिकरेंस की वजह रहती हैं वो कई बार फिर हार्मोनल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर्स, ट्रैवलिंग, ये फैक्टर्स हो सकते हैं। अदरवाइज जनरली अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ट्रीटमेंट को तो दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। इससे रिलेटेड जो मिथ है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कॉमन कि एक्ने की इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक इसका क्योर है, तो ऐसा नहीं है। एक्ने एक स्किन डिजीज़ है और उसमें इन्फेक्शन एक छोटा पार्ट है, तो एंटीबायोटिक उसका मेन ट्रीटमेंट नहीं होता है, आप अनावश्यक एंटीबायोटिक्स ना लें। और दूसरा ये कि इसका कोई इलाज नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। इसके सक्सेसफुल इलाज हैं, बहुत एश्योर्ड और काम करने वाले इलाज हैं। आप डॉक्टर की देखरेख में लें, डेफिनेटली इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। कई बार लोग ये कहते हैं कि ये उम्र की निशानी है, इलाज की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ठीक होने देना चाहिए, सबको होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए आजकल फेस बहुत मैटर करता है और एक्ने की जो ग्रेडिंग 2, 3 और 4 हैं उसमें ये क्षमता होती है कि वो ठीक होते समय आपके फेस पर स्कार्स कर सकती है, तो आप उसको ऐसा मौका ना दें कि वो स्कार्स करें। और कई बार पेशेंट साइड इफ़ेक्ट को लेकर वरीड होता है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर बीमारी का इलाज नहीं होता है तो वो एक परमानेंट डैमेज कर सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर से बात करके, उसकी देखरेख में दवाई डिसाइड करके, आप अपना जो भी कंसर्न है वो सब बता के, उसके आपकी बीमारी के हिसाब से और आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचाए इसके हिसाब से आराम से दवाइयाँ सेलेक्ट की जा सकती हैं और आपकी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो था ट्रीटमेंट के बारे में, इससे आपको एक बेसिक जानकारी मिली होगी। जो भी अभी पिंपल्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको पिंपल्स हो रहे हैं, उनको इसमें हेल्प मिलेगी कि किस तरह का ट्रीटमेंट उनको चलने वाला है, डॉक्टर क्या क्या इलाज देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल रेमेडीज ऑफ एक्ने, यानी जो होम रेमेडीज होती हैं, घर पर हम क्या कर सकते हैं एक्ने के लिए। तो उस वीडियो में हम वेल प्रूवन और डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस बेस्ड मॉडलिटीज हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, अपने सर्कल में, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स और फैमिली रिलेटिव्स में इस इन्फॉर्मेशन की किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।